आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, धनाधन शादियां होती जा रही है, किसी की राजी खुशी हो रही है, किसी की जबरदस्ती हो रही है, या यूं कह लीजिए मजबूरी में हो रही है। ऐसा ही एक दूल्हा अपने ही शादी के दिन गायब होता है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि दूल्हा जब गायब होता है तो कितना बड़ा हंगामा होता है। कैसे बुलाओ समीर को? क्यों, क्या हुआ? समीर अपने कमरे में नहीं है। अब पता चला कि दूल्हे की एक गर्लफ्रेंड भी है। जब गर्लफ्रेंड के पास पहुंचे तो देखा कि वो शादी के कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी थी। नहीं, समीर से तो नहीं हो रही शादी तुम्हारी? हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम समीर कहाँ है? दो ही घंटे में शादी का सारा माहौल क्या से क्या हो गया, एक खून भी हो गया। और खून हुआ किसका, आप खुद ही देख लीजिए। तुम्हें मुझे भरोसा है ना रिचा? मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। समीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है समीर, मगर अब बहुत टेंशन, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। मैं हूं ना रिचा, तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं समीर, मैंने कहा ना कुछ नहीं हो सकता, और तुम मुझे झूठी तसली देना छोड़ दो। तुम्हारी दो दिन में शादी होने जा रही है पल्लवी से, और तुम कह रहे हो कि मैं हूं ना? समीर, तुम किसी और के होने जा रहे, और ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? ऋषा प्लीज, प्लीज तुम रो मत। देखो, ये शादी सिर्फ नाम के वास्ते है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पल्लवी से शादी नहीं करूंगा। सच? तो तुम पापा से बात क्यों नहीं करते समीर? कोई फायदा नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है ऋचा। उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी है। वो सिर्फ वही करने वाले हैं जिसमें उनका फायदा हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा हो। तो अब क्या होगा समीर? मेरे पास एक प्लान है। इतनी देर लगा दी, क्या हुआ होगा? अभी तक आए क्यों नहीं? किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया होगा? सुजाता, हरीश, कितनी देर लगा दी? चुप रहो, देखो सब लोग देख रहे हैं, बैठो नीचे। सर, कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी? अभी नहीं, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ, थैंक यू। हरीश, क्या हुआ? कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया ना? हाँ। अब क्या होगा? होना क्या है, सिर्फ दो दिन सुजाता, सिर्फ दो दिन के अंदर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे, पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, तो मैं क्या करूंगी? एक प्लान है, कल समीर की शादी है ना, देखना अब यही शादी हमें बचाएगी। महेश जी, काफी देर हो रही है, बारात को 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था। पता है मुझे, जानते हो ना औरतों को सजने संवरने में कितना टाइम लेती है वो। अरे रंजना बेटी, एक मिनट बात सुनो ना, जाकर कनिका को बुलाओ और समीर को भी बोलो जल्दी आए, जाना है हमें। महेश, सुनो। तैयार नहीं हुए अभी तक? महेश सुनो तो सही। अरे पता है ना हमने दीपक और ज्योति जी से क्या कहा था कि हम 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे, और ये देखो 10:30 बज गए, 1 घंटा लगता है यहाँ से पहुँचने में। जाओ, जाकर समीर को बुला के लाओ। कैसे बुलाओ समीर को? क्यों, क्या हुआ? समीर अपने कमरे में नहीं है। तो उसके बेड पे से नोट मिला है, पढ़ो। क्या समीर हमारे पास है? अगर चाहते हो कि वो जिंदा वापिस आ जाए तो हमें 1 करोड़। हम जल्दी फोन करेंगे। अरे आप यहाँ, काकी ने बोला आप यहाँ सामान खरीदने आ गए, मैं वापस आते समय लेता आता ना, आपने क्यों तकलीफ की? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, तकलीफ की क्या बात है? काकी की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं आ जाऊँ। वैसे भी मैं जानती हूँ, जब से मैं आई हूँ उनका काम बहुत बढ़ गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके आने से काकी को तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों पे हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता है। आप भी ना। आउच, बिनी, 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 ओफो, I'm so sorry. बिनी तुम इधर आओ, क्या करती हो तुम? उफ, सॉरी बच्ची है। मैं नहीं नहीं, आप सामान खरीद ले, मैं देखता हूँ, मैं कर लेती हूँ। I'm really sorry. No, it's okay. बिनी तुम इधर आओ,
चलो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाती। कम यू, वेरी बैड गर्ल। आप देख लीजिए, आपका कोई भी सामान टूटा हो मैं दोबारा खरीद लेता हूं। नहीं नहीं, ठीक है सब। आई एम सॉरी। आई वैसे एक बात बताऊं जी? आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, आपकी वाइफ काफी सुंदर है। हाँ दया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुला किडनैप हो गया? नहीं सर, समीर का फोन नहीं लग रहा है। समीर का फोन नहीं लग रहा है जी। चमेश जी, आपने समीर को आखिरी बार कब देखा था? आज सुबह हमने एक साथ नाश्ता किया था, उसके बाद हम लोग तैयार होने चले गए। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा? नहीं। दूल्हा घर से गायब है और किसी ने भी उसे नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है? उसका कमरा बंद था, मैंने सोचा वो अंदर तैयार हो रहा है शायद। आपको जो चिट्ठी मिली थी वो 10:30 बजे मिली थी ना, जब बारात जाने वाली थी। जी सर। अच्छा, ये जो किडनैपर्स ने आपको लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि फोन करेंगे, तो कोई फोन आया था क्या? नहीं, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। ये दीपक जी का फोन है, हमारे होने वाले समधी जी का। एक्सक्यूज मी जी। प्रेडिक्स विवेक, इस घर में जितने भी टेलीफोन हैं सब टैप करो क्विक। ये आप नहीं कर सकते, ये आप कैसे कर सकते? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ दीपक जी, क्या कह रहे थे? मैं दीपक के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी बेटी पल्लवी की शादी समीर के बजाय किसी और के साथ कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैं भी जाकर देखता हूँ उसको। महेश, कैसे रोकेगा? गुस्से में कुछ कर ना बेटी। चलो बेटा, चलो चलो मधु भाई, चलो, जाने का वक्त हो चुका है। पल्लवी बेटा आ जाओ बेटा। पल्लवी तुम तैयार हो ना? चलो जल्दी करो, मंदिर में पंडित जी राह देखते होंगे, मुहूर्त निकला जा रहा है। मम्मी थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना, शायद समीर आ ही जाए। पल्लवी, उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, और एक बार मेरे सामने आ जाए उसका गला दबा दूंगा। उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई दुनिया। दीपक जी छोड़िए ना सब बातों को, जो हो गया सो हो गया, अब तो सब ठीक है ना। चलिए चलिए चलते हैं। समझ में नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने दीपक जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं दीपक? सुनो सुनो ये सुनो, आपका बेटा बारात छोड़कर भाग जाता है और आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हमारा बेटा किडनैप हुआ है, ऐसी मुसीबत में आपको हमारा साथ देना चाहिए, और आप है क्या आपने इंतजार तक नहीं किया और अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं? हाँ, मैं मेरी बेटी की शादी दूसरे से कर रहा हूँ, तो आप क्या करने वाले हो? अरे जान से मार दो दीपक। अरे रुक जाइए, बंद कीजिए लड़ाई झगड़ा, हो क्या रहा है? आप कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से, और समीर के किडनैपिंग के सिलसिले में हम यहाँ आए। ये अच्छा मजाक है किडनैपिंग। मजाक? आपको ये मजाक लग रहा है? हाँ मजाक, मजाक नहीं तो क्या। समीर और पल्लवी की मंगनी 2 साल पहले हुई थी, और समीर कोई ना कोई बहाने शादी की तारीख बढ़ाए जा रहा है। एसीपी साहब, ये किडनैपिंग मिडनैपिंग कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है ये कुछ और है। क्या है कुछ और? क्या कमी है मेरे बेटे में? एसीपी साहब, मैं हाथ छोड़ता हूं, मैं मेरी बेटी की शादी समीर से करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। अच्छा, ये तो बताओ कि शादी किससे कर रहे हो? ऐसे लड़के से जो शादी के मंडप से भाग न जाए। उसका नाम है रोहन। क्या रोहन से? हरीश जी, आपके रोहन से? हाँ, मेरे बेटे से। हरीश जी से और सुजाता से हमारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने बेटे का रिश्ता प्रपोज कर दिया और इन्होंने हाँ भी कर दी। हाँ कर दी हरीश? हैं? हमारी बेइज्जती के बारे में एक पल के लिए भी सोचा तुमने? हाँ कर दी। सर, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी रुकवाई है सर, प्लीज हमें आपकी मदद चाहिए। सॉरी महेश जी, शादी ब्याह के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पानी पी लीजिए।
जगह बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी दीपक ने। ऐसे कोई कैसे कर सकता है, किसी दूसरी बारात को बुलवा लिया। केस कर दूंगा मैं उस पर, मेरे बेटे की तो नाक कट गई ना। कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने अपने बेटे के लिए। मैं जी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अभी हमें समीर को ढूंढना है, शादी वादी होती रहेगी। मतलब कैसे होगी शादी? कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी ना। और दीपक, छोड़ दूं उसे? सरेआम बाजार में हमारी इज्जत उठा लिया उसे छोड़ दूं मैं? मैं जी, आपके पास समीर का लिखा हुआ कोई नोट या लेटर है? क्यों, उसका क्या करेंगे आप? देखिए, ये तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। आप प्लीज लेके आइए। ये महेश जी तो घोड़े से उतरने के लिए तैयार ही नहीं। घोड़ा? एक्चुअली हमारे एसीपी साहब के पास एक पुराना घोड़ा है, उस पे कभी कभी बैठते हैं। ये समीर की डायरी। सर मैच हो रहा है, ये चिट्ठी समीर ने लिखी है। समीर ने लिखी है? देखा, इसका मतलब है उसने अपने आप को किडनैप करवाया है। अब बताइए कहां छुपा के रखा है समीर को? क्या कह रहे आप? सर, जरूर समीर की कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसी के पास होगा। सर, अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो जरूर सबसे ज्यादा फोन उसने उसी को किए होंगे। लवण्या। यस सर। जा समीर की फोन लिस्ट चेक करो, देखो किस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल की गई है। यस सर। पता चल जाएगा ये गुमनाम लड़की है कौन। आप रिचा हैं? जी। अरे सुनिए तो सही, अरे कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ये आपने शादी के कपड़े पहने हुए हैं, आज आपकी शादी है क्या? जी। किससे? कहीं समीर से तो नहीं हो रही है शादी तुम्हारी? हाँ, हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? समीर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। रिचा झूठ मत बोलो, बताओ समीर कहाँ है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद समीर का इंतजार कर रही हूँ और वो अब तक नहीं आया। अच्छा, फेडरिक्स लवण्या घर की तलाशी लो, देखो मैडम सच बोल रही है कि झूठ। रिचा, समीर ने खुद अपने आप का किडनैप क्यों करवाया? क्यों किया उसने ये नाटक, बताओ क्यों किया उसने? समीर के पापा मेरी और समीर की शादी के लिए नहीं मान रहे थे, वो चाहते थे कि समीर की शादी पल्लवी से हो जाए, लेकिन समीर ने मुझसे कहा था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। समीर के पास एक प्लान था, लेकिन वो प्लान क्या था मुझे भी नहीं मालूम। सर, रिचा सच बोल रही है सर, समीर घर में नहीं है। ओ, तो फिर ये समीर है कहाँ? आप एक बार फिर समीर को फोन लगाइए, मुझे भरोसा है वो फोन जरूर उठाएगा, वो इस तरह हमारी नाक नहीं कटवाएगा। अरे एक तो उसने हमें पहले ही मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, और ऊपर से कुछ अपने ऐसे हैं जिन्होंने हमारी पीठ पे छुरा रखा। हमने तो कुछ नहीं किया है, फिर हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? वो समीर छुपा होगा कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के घर में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की शादी उससे नहीं हुई, वरना वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे एक मिनट, बार-बार क्यों रे? चुप रह जा वरना मैं एक सेकंड। क्या कर रहे हैं आपके खिलाफ केस बन जाएगा, एक ऑफिसर की आंखों के सामने किसी के ऊपर हाथ उठाने का। तो ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो। आओ आओ, देखो इस लड़की को अच्छी तरह से पहचानते हैं? कौन है ये? इसे क्यों लाया गया यहाँ? ये रिचा है, आपके समीर की गर्लफ्रेंड। जी, समीर आज इससे शादी करने वाला था। देखा देखा तुम्हारा बेटा क्या करने वाला था, मुझे पहले से शक था कि वो मेरी बेटी को धोखा देने वाला है। बकवास मत करो। एक मिनट, बस कीजिए आप लोग, पहले हम लोग समीर को ढूंढ लें, फिर आप लोग आपस में लड़ते रहना, समझे? आप में से किसी को समीर ने फोन किया था?
किसी से बात हुई थी उसकी? सर, सर समीर को जरूर कुछ हुआ है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता सर। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आएगा सर, प्लीज उसका पता लगाइए, उसे जरूर कुछ हुआ है। कि समीर का सचमुच किडनैपिंग तो नहीं हुआ? ऋचा आप ये बताओ कि समीर ने आखिरी बार कितने बजे फोन किया था तुम्हें? करीबन 8:30 बजे, और उस वक्त वो अपने घर पर था। 8:30 बजे और समीर 10:30 से गायब है, है ना? तो इसका मतलब है समीर के साथ जो कुछ भी हुआ है 8:30 और 10:30 के बीच में। लावण्य एक काम करो, समीर के सारे टेलीफोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो 8:30 और 10:30 के बीच में उसकी किसके साथ बात हुई थी। सर, समीर को 9:15 को एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया है, और वो नंबर है 1275898। 1275898। रिंग बज रही है सर, पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। विवेक एक काम करो, इंटरनेट पे टेलीफोन की साइट खोलो और चेक करो कि ये नंबर किसका है। विनय नगर वेडिंग हॉल। ये तो वही हॉल है जहाँ शादी होने वाली थी। लेकिन वो हॉल वाले लोग समीर को फोन करके क्यों बुलाएंगे? तो उन्हीं से पता चल जाएगा। विनय नगर वेडिंग हॉल, किसने किया था समीर को फोन? सर, मिस्टर समीर को कॉल क्यों करेंगे? हमारे पास मिस्टर समीर के मोबाइल फोन का नंबर भी नहीं। सच कह रहा है? यस सर। अगर आप में से किसी के पास भी समीर का नंबर नहीं है तो फिर उसे फोन किया किसने? ये 1275898 इधर का ही नंबर है ना? सर, ये तो हमारे स्टोरेज रूम का नंबर है। स्टोरेज रूम का? हाँ सर, हम अपने स्टोरेज रूम में शादी से मिलने वाले तोहफों को इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे महेश ने कल बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे, वो सारे गिफ्ट हमने अपने स्टोरेज रूम में रखे थे। ये आपका स्टोरेज रूम कहाँ है, जरा दिखाइए। ये हमारा स्टोर रूम। दरवाजा तो बंद है सर, इसमें कीमती सामान रहता है इसलिए इसे लॉक ही रखते हैं। मैं देखता हूँ। लॉक तो खुला है। तो फिर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? सर, लगता है अंदर कोई है। दरवाजा खोलो। सीआईडी से? इस कमरे में अंदर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? जी, आप पीछे खिड़की है। आइए सर, आइए। यही वो खिड़की सर। राजा, आप एक काम कीजिए, आप यहीं पे रुकिए ताकि खिड़की से कोई भाग ना सके। ओके ओके सर। सर, सर खिड़की खुल नहीं रही है सर, शायद अंदर से बंद है। देखते हैं अंदर कोई है क्या। दया, दरवाजा तोड़ कर देखते हैं। या तो अंधेरा, लाइट का स्विच कहाँ? सर, शायद स्विच उस तरफ है। देखो जरा, लगा। अरे क्या हुआ पल्लवी? सर मैं गिर गई। दया, जल्दी से लाइट लगा। से बंद है। मैनेजर जी। सर, यहां से किसी को बाहर जाते हुए देखा? नो सर। खिड़की बंद है अंदर से। सर, ये दरवाजा भी अंदर से बंद है और खिड़की भी अंदर से बंद है। अभिजीत, इसका मतलब है खूनी जो कोई भी यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए, इसी कमरे में। इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कोई ऐसी जगह जहां पर वो छुपकर बैठा हो। अच्छी तरह से चेक करो। नहीं सर,
यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ भी कोई दिख तो नहीं रहा है। कहाँ है? दरवाजे से बाहर नहीं गया, खिड़की से बाहर नहीं गया, तो फिर खुली गया तो गया कैसे? बहुत बुरी तरह से मारा है किसी ने बेचारे को। शादी भी नहीं हुई थी और बेचारा मर गया। जो शादी के बाद होने वाला था वो शादी के पहले ही हो गया। क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर। नहीं, फिर भी शादी के बाद मारे ही जाते हैं ना मर्द लोग। इसके लिए अंगूर खट्टे सर। बस बस मजाक बात। वैसे भी इस केस ने हमारे साथ मजाक ही करके रखा है। हाँ सर, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि समीर का खूनी आखिर गायब कहाँ हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खूनी बाहर निकला ही नहीं, और जब हम वहां कमरे में पहुंचे तो खूनी वहां था नहीं। खूनी कहीं गायब नहीं होता, बस तुम लोगों ने कमरे की तलाशी ढंग से नहीं ली होगी। तो आप खुदा के वहां देख लीजिए ना। हाँ, अगर आपको हम लोगों पे भरोसा नहीं है तो हम लोग गधे नहीं है। दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। यार तुम इतने उखड़ क्यों रहे हो भाई? हाँ, खूनी नहीं मिला तो उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रहे हो? देखो दया, ऐसा भी हो सकता है कि समीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया हो और आत्महत्या कर ली हो। उसने की आत्महत्या और तुम ढूंढ रहे हो खूनी को। यहाँ फॉरेंसिक लैब में खड़े होकर जो मुंह में आया वो उपदेश देते रहते हैं डॉक्टर सालू के। दया शांत हो जाओ। सर मैं CID हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अगर ये साबित कर दे कि ये एक आत्महत्या है। तुम मुझसे ज्यादा समझते हो क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, समझदार तो आप ही हैं। जो कुछ मालूम है आपको मालूम है क्या? यहाँ दिन रात इसी में रहने से आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए हैं। सर बाहर निकलिए, 40 डिग्री टेम्परेचर में घूमेंगे ना तो पता चलेगा खूनी कैसे भागा है। यार ये हो क्या गया सब? अगर तुम इतनी श्योर हो तो इस लाश पर हाथ रखो और कसम खाओ और कहो कि ये आत्महत्या है, खून नहीं है। खाओ कसम। अरे मैम। खाओ ना। अरे मैम मैम। हाँ बोलिए। मैं अभी अभी दोनों हाथों से चाकू खींचा सर आपने। कोई अपने आप को इतनी जोर से चाकू मार सकता है? यार मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहे थे सर। समीर का खूनी वही है जिसने इसे वहां पे बुलाया था। सर ये देखिए, समीर के जेब से कुछ मिला है, एक नोट है। सुनो सब लोग, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो कोलाड फार्म हाउस पर पहुंचो। एक और धमकी भरा लेटर ऋचा के बारे में। मगर सर जब हम लोग ऋचा से मिलने गए थे वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये लेटर झूठा है सर। समझ में नहीं आ रहा ये खूनी चाहता क्या है। ऊपर से ये नोट टाइप किया हुआ है। सर अगर ये लेटर समीर को मिला था तो वो कोलाड फार्म हाउस क्यों नहीं गया ऋचा को बचाने के लिए? उसकी बजाय ये तो पहुंच गया शादी के हाल में। सर जिसने मैरिज हॉल से फोन किया था शायद उसने ही ये नोट भेजा। सर एक काम करो, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या, और वो फिंगरप्रिंट्स घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो। हम लोग इस कोलाड फार्म हाउस पर चलते हैं। अभिजीत इस बार थोड़ा ध्यान से चेक करना 40 डिग्री। अरे बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरा खाना परोस देती हूँ। मैंने कहा कि मैं खा लूंगा, आप आराम करो। सारा दिन तो आराम ही करती रहती हूँ, ये श्रुति है ना मुझे कुछ करने ही नहीं देती, बस मेरी सेवा करती रहती है। कोई बात नहीं काकी, मैं खा लूंगा, आप अंदर जाके आराम कर लो। ठीक है बेटा। श्रुति जी क्या हुआ? रोने की आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है? नहीं नहीं सब ठीक है। सॉरी मैंने
आपको डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परेशानी है आपको? मुझसे कोई गलती हो गई? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, क्या होता मेरा। आपके तो बहुत एहसान है मुझ पर। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप वीरेन की पत्नी हैं, प्लीज बताइए बात क्या है। बहुत मिस कर रही हूँ वीरेन को। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मैं आप पर बोझ बनूं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढूंगी और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं यहां से चली जाऊंगी। मुझे बिनी के बारे में भी तो सोचना है। आप थक गए होंगे, आप प्लीज जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, बस तुम्हारे इस फार्म हाउस पे रूम बुक कर दिया। जी सर। और आपने कुछ पूछा भी नहीं कि कौन है, है? नहीं सर, मैंने पूछा था कौन है, कहां से आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया सर। मैंने सोचा कहीं बुकिंग कैंसिल ना हो जाए, इसलिए फिर आगे नहीं पूछा सर। अच्छा, क्या वो खुद आया था पैसे लेकर रूम बुक करने के लिए? नहीं सर, उसने फ़ोन किया था कि अपने आदमी को भिजवा रहा है पैसे लेकर। आए थे उसके आदमी? आए थे लेकिन बहुत जल्दी चले गए सर। उनका अचानक कोई फ़ोन कॉल आ गया था और वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन पैसे मैंने ले लिए थे सर, बुकिंग के पूरे। अच्छा, ये बताओ, ये आदमी जिसने तुम्हें फ़ोन किया था रूम बुक करने के लिए, क्या तुम उसकी आवाज़ पहचान सकोगे? जी सर, पहचान लूँगा। ये है वो फार्म हाउस के मैनेजर। खूनी ने इन्हें फोन करके कहा कि उनके फार्म हाउस में उसे एक रूम बुक करना है। अब आप लोगों को इस फोन पर एक लाइन बोलनी है ताकि आप सबकी आवाज मैनेजर साहब सुन सके। और लाइन ये है कि हमें आपके फार्म हाउस में एक रूम बुक करनी है। ये क्या बकवास है? क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। चलो आप इसे शुरू करते हैं। मिस्टर दीपक, बोलिए बोलिए। हमें आपके फार्म हाउस में एक कमरा बुक करना है। नहीं जी, बाप की बारी है। ये क्या बेहूदगी है, मेरे बेटे की मौत हो गई और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? ठीक है, आप हम लोगों को गलत साबित कर दीजिए। क्या बेहूदगी कर रहे हैं आप लोग? बहस मत कीजिए, वो जो कह रहे हैं वो कर लीजिए ना। आपके फार्म हाउस में मुझे कमरा बुक करना है। ऐसे नहीं, ठीक से बोलिए। आपके फार्म हाउस में एक कमरा बुक करना है। रोहन जी, आप बोलिए। मुझे आपके फार्म हाउस पे एक कमरा बुक करवाना है। एक्सक्यूज मी, आप बोलिए बोलिए। एक मिनट, मुझे आप लोग को कुछ बताना है। क्या बताना है? मैंने मैनेजर को फोन किया था और मैंने वो चिट्ठी समीर को भिजवाई थी।
तूने मेरे बेटे को मारा? एक मिनट, क्यों मारा? एक्सक्यूज मी, क्या तू समझ गया? नहीं, क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं, हमने समीर को नहीं मारा, हमने समीर का सिर्फ किडनैप का प्लान बनाया था। अच्छा, तो मतलब इस प्लानिंग में आप भी शामिल थी? हरीश, हरीश तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पैसों की लालच में आ गया था दीपक, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में गड़बड़ करके पैसे चुराए थे। और ये सब बातें तुम्हारे अकाउंटेंट को पता चल गई थी, वो तुम्हें बताने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि खुद को बचाने के लिए अगर मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कर दूंगा तो तुम मुझे जेल नहीं भिजवाओगे। इसलिए हमने दो गुंडे हायर किए जो समीर को पकड़ कर दो घंटे तक छुपा के रख दे ताकि समीर शादी तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर हमें पता चला कि वो तो पहले ही किडनैप हो चुका है। हमने अपने गुंडे वापस भिजवा दिए। मैं सच कहता हूँ एसीपी साहब, मैंने खून नहीं किया है। मैं सच कहता हूँ सर, ये खून मैंने नहीं किया। अगर ये खून तुमने नहीं किया है मिस्टर हरीश, तो फिर ये खून किया किसने? कमाल है, ये खिड़की भी अंदर से बंद थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था। बंद कमरे में खून हो जाता है और खूनी निकल के भाग भी जाता है। चमत्कार है। सर, हम किसी जादूगर को बुला सकते हैं। क्यों? सर, क्योंकि वही तो लोगों के सामने देखते देखते गायब हो जाता है। हाँ सर, हम सब इस कमरे के बाहर खड़े हुए थे, फिर भी खूनी गायब हो गया। ये तो एक मजिशियन ही कर सकता है। ये मैजिशियन जादूगर सब बकवास है, समझे? हम इस कमरे से तभी बाहर निकलेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि वो जगह कौन सी जिसमें से वो खूनी भाग गया। हाँ, यहाँ आइए। क्या? ये देखिए सर, पर्दे में होल है। देखो, अभिजीत, हम ढूंढ रहे थे एक बड़ा दरवाजा, मगर खूनी इस पर्दे के छोटे से छेद में से भाग गया। तो क्या बात कर रहे हो सर, इतने छोटे से छेद में से कोई भाग कैसे सकता है? मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में तुम लोग बाहर जाओ और एग्जैक्टली दो मिनट के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर आना। जाओ। जाओ ना बाहर, मैंने कहा ना तुमको। ये तो मालूम ही है, कभी कभी झटका लगता है उन्हें। और जब जब झटका लगता है ना, मैं उनके सामने कभी खड़ा नहीं रहता हूँ। क्यों? अरे फेल वो होते डांट मुझे पड़ती है। चलो, दो मिनट बचे हैं। दो क्या, चार मिनट होने दो, बंद कमरे में कुछ नहीं होने वाला, देखते हैं। सर, सर? सर, सर, सर गायब हो गए। खिड़की भी अंदर से बंद है।
हमारा तो लल्लू बना दिया एसीपी साहब ने। लेकिन सर जा कहां सकते हो, तो यहीं थे। जादूगर डेंकाली कुमार भी दरवाजा बंद करके ऐसे ही गायब हो गए थे। सर आपने तो मुझे डरा दिया। सर हमें भी सिखा दीजिए ना ये जादू क्या है। ये कोई जादू वादू नहीं है फ्रेडरिक, खूनी हमारे साथ ही था, हमारे साथ खड़ा था बाहर। वो जब हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे उससे बहुत पहले वो यहाँ से गायब हो गया था इस कमरे से। लेकिन सर बंद कमरे के अंदर से वो बाहर गया कैसे? सिंपल दया, इस धागे से। धागे से? हाँ धागे से। खूनी ने एक धागा लिया, उसका एक सिरा उसने दरवाजे के बोल्ट में बांधा, फिर वही धागा सीधे लेकर उस पर्दे के छेद में से खिड़की के बोल्ट पर बांध दिया टाइट। अब जैसे ही दरवाजा खुला धागा खींच गया और खिड़की लॉक हो गई। कमाल हो गया सर। कोई कमाल वाल नहीं है फ्रेडरिक्स, चालाकी है चालाकी खूनी की। सर इतना सब कुछ बता दिया है आपने, तो ये भी बता दीजिए कि खूनी कौन है। खूनी वही है जो इस खिड़की से कूदकर गायब हो गया। क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़कर जाता है। इसने भी छोड़ा होगा। क्या है कावेरी? ये घुंघरू है जो पायल में लगी हुई होती है। पायल में? ये तो सिर्फ औरतें पहनती हैं। हम लोग तो सिर्फ आदमी को ढूंढ रहे हैं और ये तो। एक काम करो लावण्य, दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों में जितनी सारी औरतें हैं सबको अपनी अपनी ज्वेलरी के साथ ब्यूरो में बुलाओ। मुझे लगता है खूनी कोई औरत ही है। एसीपी साहब, आप हम लोगों को वैसे ही बुला लेते इस सब ज्वेलरी के साथ। कनिका जी अब ये बात साफ हो गई है कि खूनी आप में से ही कोई एक है, इसलिए आप सबको यहां दोबारा बुला लिया। क्या है ये, ज्वेलरी ने समीर को मारा है? जी नहीं, ये ज्वेलरी हमें बताने वाली है कि खूनी कौन है। लावण्या वो घुंघरू है ना तुम्हारे पास? यस सर। मिला के देखो। सर ये देखिए, ये वही पायल है जिसमें से घुंघरू निकला हुआ है। ये पायल किसकी है? क्यों? क्योंकि वही खूनी है। क्या ये पायल तो मैंने पल्लवी तो बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो पल्लवी, ये पायल मैंने तुम्हें पल्लवी बोलो प्लीज। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं समीर से बहुत प्यार करती थी, वो हमारी शादी की डेट आगे बढ़ाता चला गया, मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। तुम रो मत, प्लीज मत रो। ये शादी तो सिर्फ नाम के वास्ते है और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं पल्लवी से शादी नहीं करूँगा। सच समीर, उस दिन मैंने उसे वेडिंग हॉल में बुलाया, मैंने उसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहा था, मुझ पे हंस रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसका खून कर दिया। और तुमने वो दरवाजा भी बहुत चालाकी से बंद किया था। जब सब रूम के अंदर जा रहे थे मैं पहले ही समीर की लाश पे जाके गिर गई। क्या हुआ पल्लवी? सर मैं गिर गई। जल्दी से लाइट लगाओ सर, ताकि किसी को भी धागा नजर ना आए। वाह, बड़ी चालाकी से प्लानिंग की थी तुमने पल्लवी, मगर तुम्हारी इस पायल की एक घुंघरू ने तुम्हें धोखा दे दिया।
ले जाओ इसे लावण्य। दया, अभी तुम फ्री हो? हाँ, क्यों, क्या बात है? कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। दया, मुझे तुमसे कुछ सलाह लेनी थी। बात कुछ ऐसी है कि क्या हो गया यार? मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, मुझे मेरी जिंदगी के बारे में एक फैसला ले लेना चाहिए। अभिजीत, कहीं तुम शादी के बारे में सोच तो नहीं रहे हो? शादी और तुम? अरे यार, मजाक छोड़ो यार दया, मैं पूछ रहा, मुझे करना चाहिए या? एक मिनट, कहीं वो श्रुति तो नहीं? हाँ यार, वो श्रुति है यार, वो अकेली है यार, दुनिया में उसका कोई है नहीं यार। बॉस, तुमने ठीक तरह से सोच तो लिया है ना? नहीं, मेरा मतलब है अच्छी औरत है, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो यार। मैं एक मिनट दे, गाड़ी रोकना एक मिनट। क्या बात, कौन है? वीरेन। क्या कहा तुमने, वीरेन? हाँ। श्रुति का हस्बैंड? हाँ। वो तो मर चुका है ना? हाँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अभी यहाँ। तो फिर ये वापस कैसे आ गया? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।